subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दबंगों ने रात में घर में घुसकर की मारपीट। जनपद इटावा के थाना बसरियर क्षेत्र के ग्राम मालपुरा में रात्रि के समय सोते समय अचानक से घर में घुसकर एक ही परिवार के लोगों ने पुरानी रंजिश को दिया अंजाम, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति और 7 साल की बच्ची को किया घायल। पीड़ित लाखन सिंह ने अपने ही परिवार के रामचरण, आदेश, स्वदेश, सचिन पर लगाया आरोप। पीड़ितों का कहना है, दबंग लोग कई बार घर में घुसकर मारपीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने नहीं की है कोई कार्रवाई। पीड़ितों ने थाना बसरियर जाकर लगाई न्याय की गुहार। थाना अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। राधा श्री, कहाँ से हैं आप? मलपुरा से। क्या वारदात हो गई आपके साथ? कल पुरानी बिटैया डालते थे मंदिर के पास में जी। तो मेरे देवा देवरानी आए गए पोरा लेके, तराती लेके। तो हमने की मुझे कंडा डाल लेन दो, क्या नहीं डाल रही है, मट्टी खुदी डरी वहीं पे मोच पट गए। आए हमने मन तो चले, मेरी बिट्टी है रहती, सो बिट्टी ने कही चलो हमने सुबह पे हाथ से हाथ काटने लगी। हम चले आए, हमने चलो हम तो प्रधान जी साहब तक के राजी बाजी कर ले भाई, हमें तो मेरे हमें लड़ाई नहीं करने। बस वे थाने चली गई, सो चार लोग आए, उन्हें मौका देखो, बस मौका दे था के चले गए प्रधान जी के पापा तक के, तो चले गए। फिर मुझे रात के सुनने को मिली कि इनके लड़का आए रहे, तो फिर हम प्रधान जी के पापा तक गए। तो प्रधान जी के पापा बोले आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं, पर दो जने द्वारा पढ़ रहे। तो फिर के चारों बच्चे आए गए और बेमियाँ भी एक बाबा रात बिन के भगत है बाबा, सो इतना तो देख ले मारा मार मारा मार मारा मार मो दो जने को लग गए। एक मेरी बिटिया की ना तो बिटिया और इतनी बड़ी बाबू पखा में लग गई। हम सब लोग चिल्लाने लगे, फिर हमारे जिले लाए सो इन्हें दिल्ली तक फ़ोन करो ये ताने तक पुलिस गई, तब मैं उठाई ले आई। और दूसरी चोट किसकी लगी है? मेरे घर से हैं बिन के जहाँ की फाँकी बेहूस बरेंगे लगे परियाँ रही हैं सब। जिसने आपके साथ वारदात की है उनका नाम क्या है? नाम एक बड़े लड़का को नाम आदेश, दूसरे लड़का को नाम सुदेश, तीसरे लड़का को नाम जितेंद्र, चौथे लड़का को नाम सचिन और उनके बाप पिताजी को नाम रामवरण। ये कब नाइट कल रात की घटना है ये? हाँ रात की है, 11:30। अच्छा आप थाने गई थी? हाँ गई थी। तो क्या आश्वासन दिया थाना प्रभारी ने? मुझे नहीं, लोगों को पता हुए। आप यहाँ किस लिए आई हैं आप? जी हम सराब सराब कराना है। मेडिकल के लिए आई हैं ना? मेडिकल के लिए आए। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। क्या घटना हुई आपके साथ? रामवरण के लड़का आदेश कुमार और सुदेश कुमार, जितेंद्र कुमार और सचिन कुमार घर के ही हैं जी, और आए दिल्ली रहे। उसकी माँ ने फोन किया, अब बच्चों को बात किया करके रात में आकर के घर पे मेरे रात को 10:30 बजे पहले तक डाल लिया और मन में छोड़ा और मारते ही रहे। जो उन्होंने सोची यहाँ जाना ही नहीं, तब वहाँ से भाग गए भाग। फिर हमने पुलिस को फ़ोन कराया तो करीब एक एक डेढ़ घंटे बाद पुलिस वहाँ पहुँची, तब वो हमें लेके आए। फिर वो चिकित्सालय में ले गए, पट्टी कराई और सुबह आना 9 बजे तुम्हारा लिखावट एक्स्ट्रा। तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अब पता नहीं सर कार्रवाई की कि नहीं की, ये मुझे पता नहीं है।